खान पान और लाइफस्टाइल से जुड़ी गलतियों के कारण आप पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानियों का शिकार हो सकते हैं। पाचन तंत्र से जुड़ी एक समस्या है ढकाराना। लाइफस्टाइल और खान पान में गड़बड़ी के कारण लोगों को ये परेशानी होती है। वैसे तो खाने के बाद ढकार आना नॉर्मल है। कई बार लोगों की डाइट ठीक होने के बाद भी उन्हें सुबह सोकर उठते ही ढकार आने लगती है। अगर आपको भी खाली पेट ढकार आने की परेशानी रहती है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। खाना खाने के बाद 3-4 बार ढकार आना सामान्य है, लेकिन अगर आपको खाली पेट सुबह से लेकर सोने तक बीच बीच में ढकार आती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। खाली पेट रोजाना ढकार आना सामान्य नहीं। अगर लोग इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं तो ऐसा करने से आपको पाचन तंत्र से जुड़ी दूसरी परेशानी हो सकती है। आमतौर पर ढकार पेट में हवा भरने की वजह से आती है, लेकिन ढकार आने का सिर्फ यही कारण नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो खाली पेट ढकार आने की समस्या कई कारणों से होती है। इसके लिए मुख्य रूप से आपका खान पान और लाइफस्टाइल जिम्मेदार है। रात में बहुत ज्यादा गरिष्ट भोजन करने या सोडा या बियर जैसी ड्रिंक का सेवन करने वाले लोगों को सुबह इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको स्टमक अल्सर हो, देर रात जल्दी जल्दी खाना खाने की आदत हो, आंतों में अनहेल्दी बैक्टीरियाज के कारण, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से, कब्ज के कारण, पानी कम पीने की वजह से खाली पेट ढकार की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको खान पान पर खास ध्यान देना होगा। सुबह उठकर ढकार आने की परेशानी से बचने के लिए रोजाना सुबह गुनगुने पानी का सेवन करें। इसके अलावा बहुत रात में डिनर करने से बचें। डिनर करते वक्त हड़बड़ी ना करें, छोटे छोटे निवाले को अच्छी तरह से चबा कर खाएं। रात के वक्त बहुत ज्यादा हैवी मील ना लें। इसके अलावा भोजन करने के बाद सीधे बेड पर जाने की बजाय कुछ देर वॉक करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।